क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे नासिर साहब क्या कर रहा? हाँ बिल्कुल, यह जुबली पतंग उड़ाने का है और अपने को कामयाब करना है जनता में कहीं। आप तमाम की अपील है जुबली हिल में एक नए MLA को मुंतखब करिए। जुबली हिल के आवाम की तरफ सलाम अलैकुम मेरी भाई, दुआ फरमाइए, बंदिश कोड दीजिए, पतंग का निशान है। सलाम अलैकुम, बंदिश कोड दीजिए, पतंग का निशान है। उसे दुआ फरमाइए, उसका वोट दीजिए 30 नवंबर के दिन। एक नए MLA को मुंतखब करिए जो आपका काम करने के बटे हो जाओ जाओ। सोदा बनाने का मैं तो सदाबहार हूँ। आइए जी, सलाम अलैकुम। नमस्ते अम्मा, अलग अलग करिए 30 नवंबर को फराज साहब को पतंग का निशान है, MIM पार्टी कैंडिडेट है, कामयाब करिए। 10 साल से जुबली हिल्स में डेवलपमेंट के काम पूरे रुक गए, यहाँ की आवाम को जनता को तकलीफ है रोड की लाइटों की, स्कूल की, बस्ती दवाखानों की। आप एक बार फराज साहब के MIM को मौका देकर जुबली हिल्स में डेवलपमेंट के काम शुरू करने का हमको एक मौका दीजिए, बहुत शुक्रिया। दुआ फरमाइए, मल्लिस को वोट दीजिए, पतंग का निशान है। हाँ खाली फोटो आने ना, वोट भी डालना 30 तारीख को जाके। हाँ तब पार्टी बोर्ड लेकर मीडिया से मैडम आ जाओ, आप इधर आ जाओ मैडम, आप इधर सुकून से करना चले दोनों निकल जाते मैडम। थोड़ा आप मैडम, थोड़ा आप उधर
Well, you come from the state of Kerala, where they use the same allegation against the left front. So whoever opposes Congress, that becomes the BJP party or B team. It is the political arrogance of Congress party. And, Rahul Gandhi lost in MIT. Did he take some money from Smriti Irani? 185 Lok Sabha seats Congress and BJP fought. There was no other party. They could only 16. How much money did the Congress party take from BJP? As a party president, he lost and gave power to Modi. How much money did he take? Rahul Gandhi suffers from political amnesia, political arrogance, and he believes in politics of entitlement. That is his biggest weakness. All this facade of sweet talking, smiling faces is just a facade. So people see him, have known him now. क्या बोली बोलिए हाँ बोलिए अब बोल दो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह अल्हम्दुलिल्लाह आज सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पूरा कंप्लीट पैदल दौरा बुरावंडा डिवीजन जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कामयाब हुआ है जलसा आवाम का एक खुशी एक जुनून एक जज्बा नज़र आ रहा था जब सदर मोहतरम का पैदल दौरा चल रहा था कई खवातीन और मर्द हजरात मेरे नौजवान भाई निकल कर अपने आप को इजहार कर रहे थे कि हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट देंगे अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम का 3.5 घंटे का कम्प्लीट पैदल दौरा मुकम्मल हुआ और मैं आप तमाम जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम से गुजारिश करता हूँ 30 तारीख के दिन पतंग के निशान को वोट डालकर भारी अक्सर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए आज हमको रॉडिज्म ख़त्म करना है आज हम किसी को ताल्लुक से लड़ रहे हैं तो सिर्फ डेवलपमेंट वर्क पे हमारी लड़ाई है क्योंकि यहाँ का MLA अभी तक 10 साल में कुछ वर्क नहीं करा और दूसरे पार्टीज का तो आता है ना पता है लेकिन हम काम की बुनियाद पे वोट मांगे हैं मैं दूसरी बार शेखपेट डिवीजन का कारपोरेटर हूँ हेरागड्डा डिवीजन के मजलिस का कारपोरेटर है अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मिलकर जुबली हिल्स को आप और हम मिलकर डेवलप करेंगे यहाँ पे गुंडागर्दी खत्म करेंगे आप तमाम से गुजारिश करता हूँ 30 तारीख के दिन पतंग के निशान को डालकर भारी अक्सर से कामयाब करिए अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू आज सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का बोरा बंडे में पैदल दौरे का वो था आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कामयाब दौरा हुआ ये यहाँ पे बहुत सवाल थे लोगों के कि मजलिस क्या कर रही है मजलिस किसी को लड़ा रही है क्या चुप लड़ा रही है सही लड़ा रही इस सब का जवाब अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौरे में असद साहब बखूबी दे दिए और असद साहब इंशाअल्लाह ताला आने वाले 15 दिनों में बोले कि सब में ज़्यादा वक्त में जुबली इसमें दूंगा मेरे को ये सीट को कामयाब करा के लाना है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी यहाँ पर वो रहेगा जल्द से जल्द आपको डेट बताई जाएंगी उनका भी रोड शो रहेगा तो हम पूरी जान लगा रहे हैं और अपनी लड़ाई यहाँ के जो साबिका MLA से है आप लोगों को मालूम है क्या काम हुए क्या नहीं हुए कितना उनके लोगों के थ्रू रौडियों के थ्रू कितना सताया गया पुलिस के भी थ्रू कितना सताया गया लोगों को हम जानते हम यहाँ रह के देखे जो है तो ये सब ख़त्म करना है हमारे लोगों से मेरे यहाँ के जुबली हिल्स के आवाम से गुजारिश है आपको ये सब ख़त्म करके एक अच्छा डेवलपमेंट होना है अपने को तो आप शेख फराज को आप जिता के लाइए इंशाल्लाह हम सब मिलके यहाँ पे ज़बरदस्त डेवलपमेंट करेंगे कई काम यहाँ पे रह गए कामों के क्या है कोई भी जाके वहाँ पे बोले तो ये पार्टी का इसका काम नको उसका पार्ट मजलिस कभी ऐसा नहीं करेंगी आवाम का काम देखेंगी किसी की भी गली रहो उसमें कौन से भी पार्टी का लीडर रहने दो हम बराबर वहाँ जाके काम कराएंगे उसका भी दिल जीत के हमारे जमात में लाएंगे इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं दिलों में दुश्मनियाँ रख के पालने वाले नहीं हैं हम साथ लेके चलेंगे करेंगे और जो ये हो रहा थोड़े लोगों को ये वो फोना वोना आ रहे हैं कर रहे हैं उसका भी क्या करना है इंशाल्लाह बराबर तरीके से वो काम करेंगे इंशाल्लाह मैं फिर एक बार आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ 30 तारीख के दिन अव्वलिन टाइम पे निकल के हमारे खवातीन से नौजवानों से बुज़ुर्गों से गुजारिश है भारी से भारी अक्सरियत में वोट डालकर शेख फराज साहब को वोट देकर पतंग के निशान पे वोट डालकर आप हमारे मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए।